हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और ये बन रहा है सुबह का नाश्ता। तो ये बन रही है बना रही हूँ मैं आज सैंडविच, क्योंकि आज है संडे। तो स्कूल के लिए लंच वगैरह नहीं लगाना, पैक करना। तो बस जिस दिन स्कूल नहीं होता है तो उसी दिन इस टाइप से कुछ बनाते हैं। और मेरा किचन वाला रूम है, इसमें पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा ही रहता है। ठंडी का मौसम होता है ना, तब इसमें, वैसे भी सुबह का ही टाइम है। और ये कुछ पिंक कलर भी है, पता नहीं इस करके इसमें अंधेरा सा ही लगता है। तो बस ये गरम गरम सिक रहे हैं और ये लोग खाएंगे अभी। सर्दी के मौसम में मतलब इस टाइप का गरम गरम नाश्ता तो अच्छा लगता है। और अब हम लोग तो रोज़ नहीं बनाते हैं, कभी कभी महीने में बनाते हैं, क्योंकि स्कूल होता है तो फिर नहीं होता है ये सब चीज़ बनाने का। और वैसे जैसे कभी हफ्ते में बना लिया तो पोहा वगैरह बना लिया, और ऐसे बनाते हैं ना, तो फिर ये महीने में एक या दो बार ही इन चीज़ों का चांस लगता है। कभी कभी हो जाता है महीने में भी नहीं लगे, ऐसा भी हो जाता है। और आइटम बनाते हैं तो नाश्ता वगैरह तो सभी का हो गया था, और आज मेरा जो नहाना है वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। वैसे तो मुझे हाथ से तो नहीं धुलने हैं, लगाऊंगी मशीन में ही, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने थोड़ा पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि सुबह पानी जो होता है ना टंकी का, वो ठंडा होता है। तो थोड़ा सा गर्म पानी करके और मिलाकर मतलब दोनों पानी डाल दूंगी, तो उससे क्या है कपड़े है ना अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो पहले मैं टब में ही भिगो दूंगी, उसके बाद फिर मशीन में लगाऊंगी डालूंगी, जिससे क्या है थोड़ा गर्म पानी में अच्छे से उस कपड़े ना फूल जाएंगे, तो साफ़ हो जाएंगे जल्दी से। और संडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे तो मैं डेली हाथ से ही धुल लेती हूँ कपड़े, नहीं मैं इकट्ठा करती, और बस संडे को ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि उस दिन बेड की चादर है, टॉवल वगैरह है, पिलो कवर वगैरह होते हैं, स्कूल की भी यूनिफॉर्म वगैरह होती है, और बीच बीच में अगर मोटी मोटी जींस भी निकलती है ना, तो वो मैं हाथ से नहीं धुलती। और मैं वो मतलब उसको मशीन लगाने के लिए रख देती हूँ, जिस दिन मशीन लगाऊंगी उस दिन मशीन में डालूंगी। तो इसलिए आज दो तीन जीन्स की पैंट वगैरह भी हो गई हैं, तो काफ़ी कपड़े हो गए हैं आज धुलने के लिए। और इसको मैं कपड़े को भिगो के और फिर मैं अपना मतलब मशीन वगैरह में डाल दूंगी, तो फिर मैं अपना दूसरा काम करती रहूंगी, क्योंकि अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। और आज का काम है वो बहुत मतलब एक होता है ना, संडे था तो थोड़ा मन किया कि लेट उठने का। सुबह क्या है कि सुबह थोड़ी सी ठंडी होने लगी है। वैसे तो अभी ना हम लोगों के इधर थोड़े बादल से हो गए हैं, तो और थोड़ा सा अभी बीच में होने लगा था ठंडा सा मौसम, तो थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है। और जिस दिन मतलब बादल साफ होंगे उस दिन बहुत तगड़ी धुंध गिरेगी। तो बस, तो आज संडे था तो थोड़ा लेट भी उठी थी, तो बस इसी चक्कर में। और ये है कि झाड़ू पोछा मेरा रोज का ही है, चाहे ठंड हो चाहे हो। मतलब ये है कि बस वही दो रूम है, उसमें ही सारे काम आना जाना होता है ना, तो बिना पोछा लगाए तो नहीं बनता है। तो बस इसको पोछा लगा दूंगी, और मैंने पंखा चालू कर दिया है, जिससे क्या है ना ये सूख जाए जल्दी से, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, तो फिर मुझे बार बार आना जाना करना पड़ेगा, तो फिर पोछा भी ख़राब हो जाता है वैसे। तो बस
आज मेरा नहाने का भी काम बहुत लेट हो गया, आज सारे ही काम लेट हो जाएगा क्योंकि आज 1 घंटा सोकर भी लेट उठी थी इसलिए। और कपड़े भी बहुत सारे हैं, कपड़े हाथ से तो नहीं धुलने, मशीन में लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, पानी वगैरह में निकालने में भी टाइम लगता है। और खाना मुझे, मैंने चावल लगा दिए थे, चावल मेरे बन रहे हैं, और मुझे बनाना था मठा के आलू, हम लोगों के उधर चलते हैं, तो मैंने सुबह ही आलू उबाले थे सैंडविच के लिए, तो उसी में सब्ज़ी के लिए भी उबाल लिए थे, तो सब्जी मतलब उसी में ही बना लूँगी सब्जी। और इन दिनों में हरी धनिया हरी मिर्च डाल के जो मठा के आलू बनाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब हम लोगों के उधर चलते हैं, बहुत सी जगह पर नहीं चलते हैं मठा के आलू, और बहुत जगह पे मतलब हम लोगों के उधर इन दिनों में बहुत चलते हैं। और ये वाला पट्टा है जो फट्टी है, मैं यहीं लगाती हूँ, मेरी स्लिप है जो, वो मुझे काम करने में थोड़ा ऊंचा लगता है, काफ़ी ऊंचा लगता है, जिससे ना जैसे रोटी वगैरह बेलो तो नहीं बनता है, तो मैं ये फट्टी के ऊपर ही खड़े होके ही काम करती हूँ, तो ये स्लिप थोड़ा है ऊंचा। कई लोगों ने देखा तो उन लोगों ने भी बोला कि मतलब थोड़ा सा ऊँचा है, तो बस ये पट्टा है जो मेरा, और ये काफ़ी हैवी है, ये मतलब इसके जो साइड के पैर से लगे हैं ना, ये इसी में बने हुए हैं, अलग से नहीं लगाए हैं, ये लकड़ी को पूरा काट के और उसी में बनाया गया है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, तो बहुत मजबूत पटा है ये हमारा। तो बस अभी पहुंचा, उस साइड का भी रह गया है मेरा।